आप देसी हो या मद्रासी हो या पंजाबी हो। आपने पिछली वीडियो देखी होगी मेरी, शायद पंजाबी पट्टे मैंने उड़ाए हैं तो उनपे पानी वगैरह, या मद्रासी मैंने पिछले पहली वीडियो और बनाई थी तो उनको, मद्रासियों को भी मैंने यही पानी बना के दिया था। तो इससे कबूतरों को बहुत ही ज्यादा रिजल्ट, अच्छा रिजल्ट मिलता है। मद्रासी बच्चे जो है लंबे भी चले हमारे और एक साथ चले, तो वही पानी जो मैंने यूज किया वही आज पानी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो सभी भाई ये पानी जोर बनाए और कबूतरों में इस्तेमाल करें जो तैयारी कर रहे हैं उड़ान के लिए, और अभी तक जो भी वीडियो देख चुके हैं हमारी, तो उन सभी भाइयों के लिए और मेरे सभी छोटे भाइयों के लिए है। तो ये मैं यूज करता हूँ और मैं आपको वही चीज आपके लिए शेयर कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ दोस्तों। ये जो है चिकनाव डलेगा, पहले जो मैंने पिछला चिकनाव बताया उसमें जो छोटी पीपल बड़ी पीपल बताई है उसमें डालने के लिए, वो उसमें घिस के ना डालें, सादा चिकनाव, ठीक है, वो सादा चिकनाव है, बाकी चीजें उसमें डाल लें, ये दो चीजें ना डालें, वो चिकनाव भी चले डाल खिलाएं और चिकनाव के बाद ये पानी पिलाना है। 3 दिन रोक के कबूतरों को, 3 दिन नहीं उड़ाना, 3 दिन ये पानी पिलाना है। आप ध्यान से करना है ये काम, ठीक है, और ये सब सामान आप ले आए, ठीक है दोस्तों। ये पानी बहुत जबरदस्त है, कबूतरों को एक साथ जोड़ के और लंबा चलाएगा, बढ़िया चलाएगा, चमकोगी और तेज चलेंगे उनके जो परकट जो पर चलेंगे ना, तो वो तेज चलेंगे बहुत जबरदस्त। आप इस्तेमाल जरूर करना, रिजल्ट बहुत बेहतरीन मिलेगा, मद्रासी वाले तो खुश हो जाएंगे जो भी मद्रासी पालने वाले। तो दोस्तों ये नोट कर लें आप, ज्यादा टाइम ना ले। तो दोस्तों इनके इसके लिए पानी बनाने के लिए जो सामान मिलेगा वो आप नोट करें। समय पहले जो है अकरकरा और छोटी पीपल, अकरकरा और छोटी पीपल, ठीक है, फिर मुलैठी, मुलैठी अम्बा हल्दी, ठीक है, और दखनी मिर्च और काली मिर्च और लौंग, ठीक है, और इसमें सौंफ और कुछ गुलाब की पत्तियां, ठीक है। तो ये सामान कितना कितना लेना होगा आपको, अम्बालदी मुलेठी वगैरह ये सब तो कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो आप कुछ पे ले आए, एक एक पीस ले आए, ठीक है, और लौंग जो है हमें इसमें इस्तेमाल करने होंगे 2 पीस, दखनी मिर्च 6 पीस, काली मिर्च 4 पीस, ठीक है, मिश्री मिश्री जो इसमें डालनी होगी चने के बराबर तकरीबन 4 पीस, ठीक है। ये जो जो पीसने वाली चीजें हैं वो उन चीजों को आप पीस ले, और सौंफ जो है उसमें डालनी होगी 1 चुटकी, ठीक है, गुलाब की पत्तियां 1 चुटकी, ठीक है, जो पीसने वाली चीजें हैं वो इसमें पीस के पीस लें, ठीक है। पीसने के बाद उस एक पत्थर होता है, पानी जो आपके कबूतर पीते हैं शाम को, जो पानी पिलाते हो उस पानी में आपको ये पत्थर रख के, पत्थर या जिस चीज पे भी आप घिस सकते हो, ठीक है, जो चीजें पीसने वाली है वो खरर में पहले पीस लें, जैसे दखनी मिर्च हो गई और काली मिर्च हो गई, लौंग हो गई, ठीक है, मिश्री हो गई, सौंफ हो गई, चीज को पीस ले, बारीक कर ले, फिर पत्थर पे रखें, पत्थर पे पानी छिड़के उजूर के डाल के पाउडर, और हल्का सा पानी छिड़के और अम्बा हल्दी को उसमें भिगो लें पानी में, और उस पे घिस्से लगाएं, उस पाउडर को डाल के उस पे घिस्से लगा दें तकरीबन 40 घिस्से, ठीक है, 40 घिस्से अम्बा हल्दी के, मुलैठी के, इसी के ऊपर मुलैठी के तकरीबन 20 से 25 घिस्से पानी में भिगो लें और घिस्से लगा दें लंबे लंबे 25 घिस्से, 1 2 3 4 ऐसे करके, ठीक है, हल्का सा भिगोते रहे मुलैठी को या पानी का छिड़काव डालते रहे और घिस्से लगाते रहे लंबे लंबे, ठीक है दोस्तों। अकरकरा तकरीबन 3% मतलब के इतना लंबा होगा, तो इतना सा छोटा सा, छोटा पीपल आधा घिस दें, छोटा पीपल आधा घिस दें, ठीक है दोस्तों, और गुलाब की पत्तियां जो हैं वो ऐसी डाल दें ऊपर से। इंशाल्लाह ये 2.5 घंटे पहले पानी बना लें, 2 से 2.5 घंटे पहले, और जब शाम को आप ये चिकनाव देंगे जो सादा मैंने बताया है वो चिकनाव दें और ये पानी पिलाएं, इंशाल्लाह 3 दिन तक पिलाना है। 3 दिन पिलाने के बाद जब चौथा दिन आप उड़ाएंगे कबूतरों को तो उसमें अलग ही चमक होगी।
फिर पांचवा दिन होगा तो अलग ही चमक होगी, छठा दिन होगा तो फिर अलग ही चमक होगी। तो कबूतर की जो है तेजी होगी, एक साथ मिलके उड़ेंगे और टुकड़ी में उड़ेंगे और तेज चलेंगे, तो दोस्तों लंबे जाएंगे। तो दोस्तों ये पानी था मुकम्मल हो गया, पूरा हो गया है, आप इसको बना लें इंशाल्लाह, याद रखेंगे ये पानी बहुत गजब का पानी है। ये पानी जब देना है जब आपके कबूतर उड़ने लगे अच्छे, ये नहीं है कि अभी हमारे कबूतर आधा घंटा नहीं उड़ रहे, 1 घंटा नहीं उड़ रहे, उन कबूतरों के लिए नहीं है। जो कबूतर हमारे उड़ रहे हैं 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, जितने भी उड़ रहे हैं 4 घंटे से ऊपर, उन कबूतरों को ये पानी लगाना है, 3 दिन पानी लगाना है, फिर उड़ाना चालू करना है, ठीक है? फिर रोक देना है, ये पानी ये नहीं देना है, ठीक है? फिर कभी अगर आपको लगे कमी पेशी, अगर यहाँ भी हमारी टुकड़ी जो है वो कमी आ रही है, लंबी नहीं चल रही, एक साथ नहीं चल रहा, तो 1 दिन पानी पिला दें, फिर ना पिलाए, फिर कभी ऐसा लगे तो जब पिलाना है ये पानी। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगे, वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों में शेयर कर सकते हो, और जो भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, और आने वाली हर वीडियो के लिए वेट करें, आगे वीडियो आएगी इस कबूतर की संभाल के लिए, ठीक है दोस्तों? तो मिलते हैं अगली वीडियो में, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।